विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। धुरकी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। धुरकी प्रखंड मुख्यालय भाजपा मंडल कमेटी ने राज्यपाल के नाम मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी धुरकी द्वारा प्रखंड कार्यालय के प्रधान सहायक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों एवं पंचायत कमेटी द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर हेमंत सरकार हाय हाय बिचौलिया गिरी नहीं चलेगी इत्यादि का नारा प्रखंड मुख्यालय से लेकर मिर्चिया मोड़ तक नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं राज्य की चरमराती विधि व्यवस्था, ठप विकास कार्य, सरकार के वादा खिलाफी, खनिज संपदा की मची लूट, आदिवासी दलित समाज पर बढ़ते अत्याचार, जमीन की लूट, प्रखंड से सचिवालय तक फैले भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, भयभीत बहन बेटियां के इत्यादि के सवाल पर काफी संख्या में महिला एवं पुरुष प्रदर्शन किया। श्रृंखला में विशेष रूप से गढ़वा जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन तिवारी, कृपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रताप जायसवाल, मंडल महामंत्री मंगल यादव, उपेंद्र चंद्रवंशी, पूर्व जिला महामंत्री इंद्रमणि जायसवाल, मंडल संयोजक सा विधायक प्रतिनिधि अखिलेश यादव, मंडल कोषाध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि राम प्रवेश गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष व विधायक प्रतिनिधि चंद्रदेव बैठा, सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन प्रसाद गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष रामदास भुइया, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष राम विष्णु राम, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती रीना देवी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष शहादत अंसारी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष संजय सिंह, मंडल उपाध्यक्ष राम परिवेश यादव, टाटी देरी पंचायत प्रभारी पंकज गुप्ता, पंचायत प्रभारी बलवंत यादव, हरिनारायण यादव, गनियारी पंचायत प्रभारी उपेंद्र यादव, खुटिया पंचायत प्रभारी बलवंत यादव, महाजन सा शीतल जनमनिया, भोला राम कोरवा, अनुसूचित मोर्चा महामंत्री प्यारी भुइया, राजेंद्र यादव, इंद्रदेव ठाकुर इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज के इस मानव श्रृंखला का क्या उद्देश्य है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना देवी है, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूं, दुर्गी थी। आज के इस महिला मानव श्रृंखला का उद्देश्य क्या है आप लोग का? आज हमारी महिला लोग, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माँ भी, माँ समान भी बहने लोग, मतलब अभी के दौर पर ऐसा गुजर रही हैं कि इतना हमारे यहाँ बलात्कार के दौर चल रहा है, ना डॉक्टर रह पा रही हैं, ना टीचर अच्छा से रह पा रही हैं, और ना स्कूल बच्चियां जा पा रही हैं। तो इनके लिए, सुरक्षा के लिए हम लोग को कुछ सोचना है, समझना है कि हम लोग इसमें क्या करें। तो हमारी सरकार जो है इस पर ऐसा पाबंद लगा दिए हैं कि हमारी बेटियां बहन ना स्कूल जा पा रही हैं, ना कॉलेज जा पा रही हैं, ना कोचिंग करने जा रही हैं। तो इस दौर पर हम लोग अपना एक ग्रुप बनाए हुए हैं, हमारे सरकार ने आदेश दिए हैं कि हम लोग सब मिल करके ऐसा इन पर निर्णय लिया जाए कि हमारी माँ बेटी बहन भी अपना खुल कर जी सके, जो कि पाबंदी बना हुआ है कहीं भी निकलने पर लड़की लोग का, मतलब डर बना रहता है, तो कहीं जा नहीं पा रही है, कुछ खुल के कर नहीं पा रही है, नौकरी नहीं कर पा रही है, बिजनेस नहीं कर पा रही है, जो कि बराबर का हिस्सा मिला है बहनों लोग के। तो इसी पर हम मैंने ये बात को कह रहे हैं कि खुल करके हम लोग जीना जी सके और चल सके। धन्यवाद। शिक्षा है तमाम लोग पर, वह चुनाव संबंधी चुनाव के समय वह अपना वादा किए थे, लेकिन आज वादा नहीं बल्कि वह जो है भ्रष्टाचार और अत्याचार और हम लोगों को ऊपर दमन करने का काम कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 21/8/2000 को हम लोग को निर्देश दिए कि हर मुख्यालय में जा करके आप लोग
अपना जो दुखड़ा है, जो झारखंड सरकार हेमंत सरकार द्वारा जो हो रहे हैं अत्याचार, उसके विरुद्ध में आप लोग आवाज उठाइए, आप लोग नारेबाजी कीजिए। हम लोग मजबूर होकर के जो है यह रोड पर उतरे हुए हैं, और खास करके यह चीज देखा जाता है, यह चीज देखने को मिल रहा है, तमाम लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। आज तो कोरोना काल है, लेकिन फिर भी इस बीच में हम लोग को खाद पदार्थ से लेकर के बीज, तमाम किसान लोगों के प्रति जो कष्ट हो रही है, हमारे महिला लोगों के ऊपर जो है अत्याचार हो रही है, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार थी तो इतना दमन नहीं होता था। लेकिन आज जो है हेमंत सरकार के कार्यकाल में हम बेटी बहू बल्कि नहीं तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, हम लोग नरसंहार होते जा रहे हैं, सरेआम रोड पर हम लोग मारे जा रहे हैं, यह चीज देखने को मिल रहा है। आज खाद्य पदार्थ तमाम सामग्री पर, जैसे हम लोग को राशन मिलता है आदिम जनजातियों पर, वह कहते हैं कि मैं आदिवासी का जो है बहुत यह जो है गुरु है, हम आदिवासियों को भला देखते हैं उनका कष्ट को मिटाने के लिए, लेकिन हम यह चीज़ नहीं देखते हैं, यह चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके हम लोगों को ऊपर जो कुछ भी मिलता है वह एक तरह से अनाज मिलता है, वह अनाज में वह बंटवारा करके खाने का काम कर रहे हैं, यह चीज़ हम स्वयं अपने आप को इसका प्रमाण प्रूफ देंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यह बात कह करके मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ।